कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जेपीएस राठौर ने की पीसी। लोकसभा चुनाव के दौरान 10 पार्टियों ने बीजेपी को दिया समर्थन। दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल ने बीजेपी का समर्थन किया। राष्ट्रीय जनवादी पार्टी ने भी बीजेपी का समर्थन किया। पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी, भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया। राष्ट्रीय निषाद संघ और लोनिया चौहान संघ के बीजेपी का समर्थन किया। बीजेपी को समर्थन देने वाले संगठनों का स्वागत। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जेपीएस राठौर ने स्वागत किया। कई छोटे व क्षेत्रीय दलों ने दिया भारतीय जनता पार्टी को समर्थन। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लिया समर्थन पत्र। भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी, राष्ट्रीय निषाद संघ, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी, अखंड जलवंशीय सेना, राष्ट्रवादी जनवादी पार्टी, पूर्वांचल मुक्ति मोर्चा, दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल, लोनिया चौहान संघ, नवलोक पार्टी, इन सभी पार्टियों ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। और आप सबका अभिनंदन करें। छोटे दल हैं, लेकिन इसमें एक आध दल ऐसे भी थे जो लोकसभा चुनाव में अपना स्वयं हेलीकॉप्टर बुक किए और हेलीकॉप्टर बुक करके स्वयं दौड़ा कर वो लगभग 15-20 मीटिंग किए और 2 सभाओं में हमें जाना पड़ा। वो अपने हेलीकॉप्टर से ही लेकर गए थे। ये प्रदीप बाबा हेलीकॉप्टर के ही नाम से जाने जाते हैं। और वो क्या नाम था? डॉक्टर लेखराज जी, वो आज नहीं पाए, वो बाद में करेंगे। और इन छोटे दलों का भी 2022 में बहुत सहयोग रहा। इसमें सभी दल ऐसे हैं जो चौहान साहब लोगों का, काशी में भी मैं देखा बड़ी बड़ी मीटिंग, 1,000-2,000 लोगों का चौपाल करते हैं, मीटिंग करते हैं सब, और अपने दम पर भी करते हैं, साल भर अपना कार्यक्रम चलाते रहते हैं सामाजिक। ये ऐसे दल हैं। ये आज ये सभी छोटे दलों ने यानी सहयोगी के रूप में आदरणीय मोदी जी का जो परिवार है आप सबके आने से बढ़ा है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नीतियों से आप प्रभावित होकर पुनः फिर देश में सरकार बनाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोग कर रहे हैं, ये सभी छोटे दलों का भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि अब की बार 400 पार। आज पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सभी सहयोगी दलों के अथक परिश्रम और सहयोग से हम सब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें जीतकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और गरीबों की सेवा करेंगे। जो सपना है कि गरीबों को पक्का मकान, आवास, अच्छी सड़कें, कानून का राज, दुनिया में देश का नाम, जो हमारा सपना है गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, सभी को इस कारण छोटे दल आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नीतियों से प्रभावित होकर हमसे जुड़े हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ।